तो हेलो जनता जनार्दन, कैसे हैं आप लोग। तो दिवाली के शुभ अवसर पे टाइगर 3 को रिलीज किया गया है और आप सभी व्यूअर्स को और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक बधाई। तो मैंने टाइगर 3 देख लिए, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टाइगर 3 पे बात करते हैं। टाइगर 3 यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। इसकी शुरुआत 2012 में एक था टाइगर से हुई थी। उसके बाद टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान इसमें जुड़ते गए। इसके सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है। अब जबकि टाइगर और जोया एक बार फिर बिग स्क्रीन पे वापस लौटे हैं, तो फैन भी काफी एक्साइटेड हैं। बात करें कहानी की, तो शुरुआत 1999 से होती है, जो जोया की इमोशनल बैक स्टोरी को दिखाती है। यही स्टोरी प्रेजेंट की कहानी बताती है, जहां टाइगर और गोपी एक मिशन टाइम पास खत्म करके वापस आते हैं। स्टोरी में एक टाइम आता है जो टाइगर और जोया को अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। इसके साथ ही एंट्री होती है आशीष रहमान की, जो पाकिस्तान का एक्स आर्मी ऑफिसर होता है, जिसकी जिंदगी का दो ही मकसद है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना और भारत की बर्बादी। लेकिन उसे पता है कि उसके मकसद के बीच सिर्फ एक ही आदमी आ सकता है, वो है टाइगर। ऐसे में टाइगर और जोया क्या एक होकर आतिश के मकसद को नाकाम कर पाएंगे, यही फिल्म की कहानी है। सलमान खान टाइगर हैं, ये कैरेक्टर उन्हें ध्यान में रखकर ही बनाया गया है और सलमान भी इस कैरेक्टर में बस गए हैं। जोया के साथ उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त दिखती है। टाइगर के रूप में सलमान खान ने तो जमकर एक्शन किया है, लेकिन ये फिल्म कैटरीना को एक मजबूत मकसद देती है। यहाँ उनके कैरेक्टर को अच्छा आर्क दिया गया है। वहीं कैटरीना को एक्शन सीन में देखना एक अच्छा अनुभव है। लेकिन फिल्म के हाई पॉइंट इमरान हाशमी है। इमरान ने अपने कैरेक्टर आतिश रहमान के रूप में सभी को चौंकाते हैं। उनके कैरेक्टर को काफी अच्छे से दिखाया गया है। फिल्म के ट्रेलर और प्रोमो के बाद उम्मीद थी कि इमरान बतौर विलेन जबरदस्त सरप्राइज करेंगे और वो ये करने में सफल भी रहे हैं। पठान का कैमियो फिल्म का हाईलाइट है। टाइगर और पठान के एक्शन सीन की कोरियोग्राफी काफी शानदार है। साथ ही विशाल जेठवा अपने छोटे से कैरेक्टर में इम्प्रेस करते हैं। टाइगर 3 का प्लॉट रोमांचित करता है, लेकिन स्क्रीन प्ले काफी अप डाउन से भरी हुई है। मनीष शर्मा फिल्म की शुरुआत अच्छी करते हैं, लेकिन इंटरवल तक पहुंचते पहुंचते फिल्म सिंपल लगने लगती है। बट फिल्म के एक्शन सीन काफी अच्छे हैं, जो आपको तालियां पीटने पर मजबूर कर देगी। VFX ठीक ठाक है, साथ ही बैकग्राउंड स्कोर कुछ नयापन नहीं लाता है। अनय गोस्वामी की सिनेमेटोग्राफी थ्रिल को थोड़ा दिलचस्प बनाती है, जिसकी कहानी यूरोप, रूस, इस्तांबुल, इंडिया और पाकिस्तान में घटती है। टाइगर 3 स्पाई यूनिवर्स की 5th फिल्म है, जो आने वाली 2 फिल्में वॉर 2 और टाइगर वर्सेस पठान की बेस रखती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि टाइगर 3 आपको कैसा लगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।